क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो अच्छा एक चीज जो आपने बताया कि आ, ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि सोसाइटी में जो पुअर लोग हैं सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट उनका ग्रीन हाउस गैस में बहुत कम है कंट्रीब्यूशन मतलब गरीबों का कम योगदान हाँ है। बिल्कुल ठीक है गरीब देश हैं उनका बहुत कम है जी 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 गरीब आदमी है उनका बहुत देश है वो तो टॉप टेन परसेंट के लोग हैं जिनके पास दो तीन गाड़ियाँ हैं ठीक है वो अपना पानी निकाल लिए एयर कंडीशनिंग चला दिए ठीक है मैं मतलब ये है कि ये सोशल प्रॉब्लम भी है कि कट करना वो गांव वाले क्या कट करेंगे क्या करेंगे वो मतलब यूज़ ही नहीं कर रहे हैं ज़्यादा हाँ हालाँकि वो पोल्यूशन कम कर सकते हैं ठीक है उनका तो ये दिस इज़ सोशल प्रॉब्लम है कि कैसे उसको आ, आ, कट किया जाए और ये ये जियो पोलिटिकल प्रॉब्लम हो जाता है अब मैं बता दूं आपको कि ये कैसे जियो पोलिटिकल प्रॉब्लम हो जाता है पोलिटिकल मतलब दुनिया के पॉलिटिक्स दुनिया की पॉलिटिक्स हो जाती है तो मान लीजिए दुनिया के लीडर मिले कि भाई इस प्रॉब्लम के लिए क्या किया जाए ठीक है तो अमेरिका कहेगा कि भाई देखिए चाइना और अमेरिका का तो बहुत देरी से बढ़ रहा है अब देखिए बढ़ रहा है हाँ बढ़ तो रहा है लेकिन टोटल अमाउंट जो है तो अमेरिका का बहुत ज़्यादा था बहुत ज़्यादा था ऑल पचास साल से अब चाइना नंबर वन हो गया है पॉल्यूशन में पल, या, 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 इसको ग्रीन हाउस गैस को इमिट करें चाइना नंबर वन चाइना यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन की कोई भी कंट्री लो तो उसके बाद इंडिया है चाइना यूएसए उसके बाद इंडिया है थर्ड इंडिया चौथे नंबर पर हाँ चौथे नंबर पे है ठीक है लेकिन अगर आप जितना इमिशन हो रहा है उसको आप डिवाइड कर दीजिए पॉपुलेशन से तो हो गया पर कैपिटा ठीक है तो पर कैपिटा इंडिया का बहुत कम है क्योंकि हम लोग की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है राइट तो समझिए कि दो बिलियन टन हो गया मान लीजिए जबकि अमेरिका पंद्रह बिलियन टन ठीक है mm. तो जियो पोलिटिकल इसलिए आ गया कि जो कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना वो कहेंगे कि भाई हमारी कंट्री को डेवलप करना है अमेरिका आप तो बहुत डेवलप हो गए हैं ठीक है तो हम लोगों को डेवलप करने दीजिए आप अपना और कट कीजिए जी अच्छा एक आदमी जो यूज़ कर रहा है उसका बहुत डिफ़िकल्ट है यूज़ करना तो अगर अमेरिका में दो पार्टीज़ हैं एक कहते हैं कि हाँ हम लोग कट करना चाहिए दूसरी हैं जो रिपब्लिकन पार्टी है वो कहते हैं क्यों कट करें चाइना और इंडिया तो बढ़ा रहा है आप अच्छा, समझ आए ना मतलब वहाँ बेसिकली यहाँ जैसे बीजेपी कांग्रेस होता है वहाँ डेमोक्रेट और रिपब्बलिकन है अरे ये तो हम एज ए साइंटिस्ट हमको बिल्कुल नहीं समझ में आया है कि ये कैसे हुआ कि पूरी पार्टी पूरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी वो क्लाइमेट चेंज में विश्वास नहीं करती है पूरी पार्टी पूरी पार्टी पता नहीं उनके ऊपर कोई असर है मतलब आयल इंडस्ट्रीज वालों का वो लॉबीज उनमें पैसा देते हैं ठीक है वो एक भी आदमी रिपब्लिकन लीडर ये नहीं आके कहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग सीरियस प्रॉब्लम है हम लोग को कुछ करना चाहिए मतलब शायद इंटरनली उनकी डिस्कशन हुई होगी कि एक्सैक्टली exactly, यही लोग कहते हैं कि भाई वो ऑयल इंडस्ट्री उनको इतना लॉबिंग में देती है पैसा ठीक है तो उनका इसको वो प्लेटफॉर्म उनका बन गया ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम नहीं है मतलब <laughs> वहां जो रिपब्लिकन पार्टी डिसीजन लेगी उस डिसीजन की वजह से भारतीय किसान अफेक्ट होंगे पूरे दुनिया के लोग अफेक्ट होंगे पूरी हाँ। दुनिया के लोग इफेक्ट होंगे और ये देखिए इसीलिए अमेरिका कोई स्ट्रांग पॉलिसी नहीं बना पा रहा है अच्छा ये तो पहली बार बाइडन प्रेसिडेंट बाइडन किसी तरह से निगोशिएट करके एक कुछ नई पॉलिसी बनाए हैं लेकिन उसमें भी कट करने वाली पॉलिसी नहीं जी जी खाली उन्होंने यही कहा कि तुम अगर इलेक्ट्रिक फैक्ट्री यूज करो तो तुमको इतना पैसा देंगे अच्छा। तुम अगर ये सोलर लगाओ तो तुमको इतना पैसा देंगे अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा ऐसे ही हज़ार क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ